दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी अल्टिमा के कार्ड का, जो आपको यहां पे कार्ड मिलने वाला है इनके पैकेज में। अगर आप यहां पे 1100 यूरो का इनका पैकेज लेते हैं तो आपको इनका वीआईपी कार्ड मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका क्या आपको यहां यूज देखने को मिलेगा। और अगर आप यहां इंडिया में उसको ले लेते हैं तो उस कार्ड से कितना आपको राइट मिलेगा, आप यहां उससे शॉपिंग कर पाएंगे या एटीएम से उससे पैसे निकाल पाएंगे या क्या कुछ उसका यूज देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहां वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर हम यहाँ बात करें पीएलसी अल्टिमा के प्रोजेक्ट का, तो ये लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर, जिनको ना तो यहाँ क्रिप्टोकरेंसी की नॉलेज हो और ना ही इनको ब्लॉकचेन की नॉलेज हो, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बड़े इजीली स्कैम हो सकता है। अगर आपको यहाँ नॉलेज होगी तो आप कभी भी इस टाइप के स्कैम प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और इनका जो बिजनेस होगा वो ठप हो जाएगा। इसलिए ये नए नए लोगों को यहाँ उठा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, एजेंट तो इतने बन रहे हैं कि आप हद से ज्यादा आप यहाँ एजेंट देख सकते हैं। और एजेंट बनने का यहाँ पे रीजन क्या है कि आप लोगों ने बाकी के एमएलएम कंपनियों में देखा हुआ है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा 10,000 का ये प्रोडक्ट बाय करो, उसके बाद दो बंदे जोड़ो, फिर वो आगे दो बंदे जोड़ेंगे और सब पे आपका कमीशन होगा। तो वही चीज आपको यहाँ पीएलसी में भी देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ ज्यादा शर्म की बात यह है कि जो हमारे इंडियन लोग हैं वो अपने थोड़े से कमीशन के लिए 15% 20% कमीशन के लिए, जिन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है उनके साथ ठगी मार रहे हैं, उनके पैसे यहाँ पे इस टाइप के स्कैम प्रोजेक्ट में लगवा रहे हैं और अपना कमीशन ले रहे हैं, उन बेचारों के पैसे यहाँ पे ब्लॉक करवा रहे हैं। तो इन लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम यहाँ बात करें इनके कार्ड का क्या आपको यूज देखने को मिलेगा, तो यहाँ जो पीएलसी अल्टिमा के एजेंट है, इन्होंने बहुत सारी चीजें आपको यहाँ बताई है कि आप ऑल इंडिया में आप इसके थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं या बैंकों से आप पैसे निकाल सकते हैं इजिली, आप कहीं पे भी इसको स्वाइप कर सकते हैं। पर क्या ये एक्चुअल में सच है या नहीं है? अब देखिए, इनकी सच्चाई जानने के लिए आप सिंपल अपने फोन के गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं कि आरबीआई ने कौन कौन से कार्ड को यहाँ पे अलाउ किया है, जिसको आप यहाँ यूज कर सकते हैं एटीएम में या बैंक आपको इश्यू कर सकते हैं। अभी के डेट में देखिए, हम दो तरह के कार्ड ही यहाँ यूज करते हैं। पहला होता है हमारा जो रुपए कार्ड होता है, और दूसरा हमारा होता है या हम वीजा कार्ड यूज कर सकते हैं या मास्टर कार्ड यूज कर सकते हैं। जो यहाँ रुपए कार्ड होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनका यहाँ पे पैन कार्ड नहीं बना या वो स्टूडेंट होते हैं, उस पर कुछ लिमिट होती है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड, जो लोग यहाँ इनकम टैक्स पे करते हैं या जिन लोगों का पैन कार्ड बना होता है उनके लिए यहाँ वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड मिलता है। अब देखिए, अगर आप यहाँ बात करें रुपए कार्ड का या मास्टर कार्ड का, तो ये जो दोनों के दोनों कार्ड होते हैं इनको यहाँ ऑथराइज्ड करता है आरबीआई। अगर आरबीआई अप्रूवल देती है आपको कि आप ये कार्ड यूज कर सकते हैं, तभी आप किसी भी बैंक से या एटीएम से आप चाहें तो पैसे निकाल पाएंगे या ट्रेड अपनी कर पाएंगे। पर जो आप यहाँ पीएलसी अल्टिमा देख रहे हैं ये क्रिप्टोकरेंसी है, और जो आरबीआई है वो क्रिप्टोकरेंसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। मतलब क्रिप्टोकरेंसी को ये चाह रही है, अपनी इंडिया की जो आरबीआई है वो चाह रही है कि क्रिप्टोकरेंसी बैन हो जाए इंडिया में। तो आप इस कार्ड को लेके और कहाँ आप यूज कर लेंगे, और बिना आरबीआई के परमिशन के कैसे कोई ऑथराइज्ड कर सकता है इस कार्ड को शॉपिंग के लिए या ट्रेड के लिए। अब देखिए, किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बाय करने से पहले आप उसके बारे में रिसर्च करें, अगर आपको लग रहा हो कि ये करेक्ट है तभी आप उसको बाय करें। सेम ऐसे ही होता है इन्वेस्टमेंट के टाइम में, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में क्लियर कट जान लें, आप अपना रिसर्च करें। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ये जो चीज है वो सही है, तभी आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें, या किसी के कहने पे या किसी एजेंट के कहने पे आप अपने पैसे के इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका तो कमीशन मिल जाएगा पर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा आपका पैसा। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, अपने पैसे के बारे में सोचें। और यहाँ पे देखिए, पीएलसी अल्टिमा में मैक्सिमम जो टारगेट हो रहे हैं लोग, वो ऐसे लोग हैं जिनको क्रिप्टोकरेंसी की नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देते हैं, आप वहां से गेन करें, पहले नॉलेज गेन करें और देखें प्रोजेक्ट किस तरह के होते हैं, कैसे स्कैम होते हैं और कौन से जेन्युइन प्रोजेक्ट होते हैं, किसमें हमें अपनी एंट्री बनानी चाहिए या गवर्नमेंट के क्या अपडेट आ रहे हैं क्रिप्टोकरेंसी पे, उसके बाद अपना आप डिसीजन लें, ऐसे किसी के भी कहने पे ना जाएं। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के फंड को आपके सामने रखेंगे कि उसमें ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इतने पैसे कमा लोगे और आपके इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका कमीशन मिल जाएगा, उसके बाद आप जाने अपना काम और उन लोगों का कमीशन मिल गया तो वो अपना रफू चक्कर हो जाएंगे। तो इन सब चीजों से थोड़ी दूरी बनाएं, नॉलेज गेन करें, पहले आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ें
और उसके बाद अपना जो डिसीजन लें कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी के डेट में अगर आप यहाँ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो पीएलसी अल्टिमा आपको पता होगा कि ये टोटली स्कैम है। जैसे हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वैसे आपको एक एक्सचेंज पे ऑप्शन दिया हुआ है सेल का, और वहां पे भी आप अपने सारे कॉइन सेल नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सेल कर पाएंगे। और कहां बिगनिंग में जो इसका प्राइस था $1,00,000 के रेंज में था, अब आप देख सकते हैं ये $6,000-$7,000 में है। यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, अभी तक एलेक्स ने अपने कार्ड के यूज के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, उसने बस इतना कहा है कि आप अगर इनका पैकेज लेते हैं 1100 यूरो का तो आपको यहाँ वीआईपी कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और अगर 1 अगस्त के बाद आप इसको लेते हैं फिर आपको इसके चार्जेस देने पड़ेंगे, इसके यूज के बारे में नहीं बताया। तो जितना भी ये आपको प्रोपोगेंडा देखने को मिलता है ये सब के सब जितने इंडियन एजेंट है उनका ही देखने को मिलता है, ये अलग अलग तरह से लोगों को यहाँ फंसा रहे हैं, तो आप यहाँ स्कैमर से बच के रहें। तो दोस्त होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी वीडियोज अच्छी लगती है प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।